हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी बथुए की कढ़ी, जिसके लिए मैं 2 गिलास छाछ ले लूँगी। तो छाछ हमारी काफ़ी खट्टी है, तो आप भी छाछ को चख लें। जितनी छाछ खट्टी हो उस हिसाब से ही आप पानी का यूज़ करें, और छाछ हल्की खट्टी ही ले, तभी कढ़ी जो है खाने में टेस्टी लगेगी। तो मैंने 2 गिलास छाछ लिए, 1 गिलास पानी डाल देंगे, और अब हम इसके अंदर 3 चम्मच फुल भर के बेसन की डाल देंगे। तो अगर आप चम्मच को फुल नहीं भर रहे हैं तो आप 4 चम्मच बेसन का यूज़ करें। और अब हम विस्कर की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे। मैंने विस्कर लिया है, आप रेई ले सकते हैं, जिससे हम दही को रिड़कते हैं वो ले सकते हैं, या फिर आप इसे मिक्सी जार के अंदर डालकर एक बार फेंट लें। तो अच्छे से फेंट लेना है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। और अब हम चढ़ाएंगे गैस पर एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 1/2 चम्मच सरसों का तेल। तो मैं यहाँ सरसों का तेल का यूज कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तेल को हमें धुआं गर्म कर लेना है। तेल अच्छे से गर्म होगा तभी जो है इसकी स्मेल जाएगी, क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, साबुत धनिया डाल देंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच राई डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, और कुछ मैंने करी पत्ता लिया है वो डाल देंगे, 1 हरी मिर्च डाल देंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, 2 तेज पत्ता डाल देंगे, 4 से 5 साबुत काली मिर्च डाल देंगे, और इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। और 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, और हमारा घोल डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर और डाल दिया है, क्योंकि छाछ जो है वो काफी खट्टी थी। और अब हम इसको उबाल लेंगे। कढ़ी जितने अच्छे से उबलती है, कढ़ी उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे आप बथुए को डाल के भी भून सकते हैं, पर मैं बथुए को जो है अलग से भूनूंगी, उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इस तरह हम बथुए को साथ पकाते हैं ना, तो बथुआ बहुत ज़्यादा गल जाता है। 25 से 30 मिनट अगर कढ़ी को हम पकाते हैं तो बथुआ बहुत ज़्यादा गल जाता है, फिर वो मुझे खाने में अच्छा नहीं लगता है। आप पहले बथुए को पका सकते हैं और फिर आप घोल डाल सकते हैं, पर अगर आप मेरी तरह से कढ़ी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो कढ़ी के बहुत अच्छा उबाल आ गया है, तो कढ़ी को उबालने से पहले बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो कढ़ी जो है आपकी फट जाएगी। जब उबाल आ जाए तो मीडियम फ्लेम पे इसे कम से कम 20 से 25 मिनट आप जरूर पकाएं। तो कढ़ी के बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है, अब हम इसे दूसरे गैस पर धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट पकने देंगे, ताकि कढ़ी जो है अच्छे से पक जाए। तो अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे, दूसरे गैस पर गैस को ऑन कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, जिससे हम फ्रेंड खाना खाते हैं, वो 2 चम्मच तेल, ज़्यादा नहीं डालना है। और तेल को हमें धुआं उठने तक गर्म कर लेना है। मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का यूज़ किया है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर देसी घी में भी इसे पका सकते हैं। और तेल जब तक धुआं नहीं उठता है तब तक पकाएं, क्योंकि सरसों के तेल की बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। अगर आपने कच्चे तेल में डाल दिया तो फिर ना ये कढ़ी ख़राब हो जाएगी। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल दें, और बिल्कुल थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम मैंने 250 ग्राम बथुआ लिया था, जिसे मैंने इस तरह से धोकर काट लिया है, और इसे हम तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो एक बार आप मेरी तरह से बथुए कढ़ी ज़रूर बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, और कोई भी मसाला हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये सिंपल मसालों से ही बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप और मसाले डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पर मैं इसी तरह सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि बथुआ और मसाले जो है अच्छे से पक जाएं। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसे 1 से 1.5 मिनट तक हम इसी तरह धीमी आंच पर पका लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और पास में घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप देख सकते हैं बथुआ भी जो है
हल्का सा पक गया है, इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब पकाते हम इसको डाल देंगे हमारी कड़ी वाली कढ़ाई में और अच्छे से फ्राई पैन को साफ करते हुए सारा बथुआ इसके अंदर डाल देंगे। बथुआ डालने के बाद हमें कढ़ी को सिर्फ 2 मिनट और पकाना है। वैसे कढ़ी को पकते पकते 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो हम इसे 1-1.5 मिनट और पका लेंगे ताकि बथुआ जो है कढ़ी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अगर आप ऊपर से तड़का लगाना चाहते हैं तो राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगा सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही रखूंगी क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसे बनाया है। ये ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप इसे बाजरे की रोटी के साथ, मक्की की रोटी के साथ जैसे चाहे खा सकते हैं, चावल के साथ, चपाती के साथ। तो बस इसको पकते पकते 2 मिनट हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है और इसे हम परोस लेंगे। तो आप एक बार इस तरह से कढ़ी ज़रूर बनाएं। तो मैंने इसे बाजरे की रोटी, गुड़, हरी मिर्ची के साथ परोसा है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में घंटी का बटन है, उसे ज़रूर दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो को कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।